गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सेंटर यानी GC ने गवर्नरेट्स के बीच आने जाने को रोकने के फैसले के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही अफवाहों को स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया है। GC द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, शाम 8 से सुबह 5 बजे तक की अवधि के दौरान व्यक्तियों और वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय प्रभावी है, चाहे वह एक ही गवर्नरेट में हो या अनेक के बीच हो। ओमान समाचार एजेंसी यानी ONA द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, सल्तनत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विदेश मंत्रालय में एक राजनीतिक वार्ता सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ढांचे के भीतर दो मित्र देशों के बीच निवेश और पर्यटन विनिमय बढ़ाने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, ताकि पारस्परिक लाभ प्राप्त करें। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नागरिकों के बीच प्रवेश वीजा की पारस्परिक छूट और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग समझौते के लिए एक संयुक्त समझौते में प्रवेश का भी स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 796 नए कोरोना वायरस मामले और एक मौत दर्ज की है। देश में कुल मामले अब 156,883 हो गए हैं, जिनमें से 142,944 अब स्वस्थ हैं और 1,662 का निधन हो चुका है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।